अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। और अधिक जो 2022 का ये आगाज है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी, और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री यहां पर घोषणा करके गए थे कि जो 2 तारीख से है जो भाजपा यहां पर दिवाली मनाएगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज कांग्रेस की दिवाली जो आज से शुरू हो गई है। अवस्थी जी, जो जीत का है वो सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? जीत का कारण जो है बहुत मुद्दे थे, महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, और सरकार इसलिए चुनी जाती कि सरकार जो है जनता की सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहें, जनहित की योजनाओं को लागू करें, हर वर्ग का ध्यान रखें। लेकिन 4 वर्ष के इस कार्यकाल में जो हर वर्ग जो है त्रस्त रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता सुख में जो है उन्होंने समय बिताया, जबकि जो महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई, महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 लाख जो है शिक्षित युवा जो है रजिस्टर्ड हैं भिन्न भिन्न रोजगार कार्यालयों में, और रोजगार के साधन जो है सृजित करने में नाकाम रही, बल्कि बाहरी राज्यों से लाकर जो है लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, और हमारे जो शिक्षित युवा हैं जिन्होंने, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करी है, और उनको दरकिनार करके उनके सामने जो है बाहर से लोगों को लाकर रोजगार दिया जा रहा है। और इसके अलावा कर्मचारी वर्ग जो क्या है, देखिए अब आउटसोर्स के पे जो कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्स की कर्मचारियों के लिए बयान देना मुख्यमंत्री द्वारा कि उन्हें इनकी नीति नहीं बनेगी तो रेगुलर भी नहीं होंगे, ये भी एक मुद्दा था। फिर करुणामूलक आधार पे जो लोग आज जो पात्र लोग हैं जो नौकरी की तलाश में थे, जो नौकरी की चाह में थे 4 वर्ष से, एक भी करुणामूलक आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी गई है, ये भी एक मुद्दा था। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, तो हर वर्ग को जो है इन्होंने निराश किया। आप शुरू से ही बोल रहे थे कि धन बल और जन बल के बीच में लड़ाई है। बिल्कुल, मैंने कहा, आपने देखा, आप तो जगह जगह घूमे हैं, जिस तरह से प्रचार इन्होंने किया एक हाईटेक प्रचार था इनका, और मैं तो जनसंपर्क के माध्यम से मैंने हर समय यही कहा कि ये जो चुनाव है ये धन बल बनाम जन बल था, तो मैं जन बल के आधार पर चुनाव लड़ रहा था, और अंत में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है, और जन बल की विजय हुई है। 4-0 स्कोर रहा है पूरे हिमाचल में, क्या मानते हैं आप?